जो वीतराग विज्ञानमय परिणाम सचमुच मंगलमय है, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान जो मंगलमय मंगल करण है, इसका अर्थ वह भाव मंगल है। और ऐसे भाव को अरहंत सिद्ध प्रकट कर चुके हैं, इसलिए वे मंगल है। साधु उस मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए मंगल है। और धर्म, जिन धर्म केवली प्रणीत धर्म उसका ही विवेचन करता है, इसलिए वह मंगल है। तो भाव की मंगलता से द्रव्य की मंगलता, क्षेत्र की मंगलता, जितने सिद्ध क्षेत्र, जिन जिन क्षेत्रों को हम पवित्र समझकर उनकी हम पूजा करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, क्षेत्र तो क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र पर रहकर भव्य जीवों ने आत्म साधना की और आत्म साधना से उत्कृष्ट भावों की प्राप्ति की, मंगल भाव प्रकट किए, तो जिस स्थान पर रहकर भाव मंगल हुए वह क्षेत्र भी मंगल हुआ। और उसी तरह ऐसे मंगल भाव जिस काल में हुए वह काल भी मंगल हुआ। यहाँ पर्व के रूप में काल की मंगलता की बात की जाती है। पर्व, पवित्र अवसर, मंगल काल, पर्व मंगल काल व्यक्ति अपने में मंगलता प्रकट कर लेता है तो वह व्यक्ति मंगल हो जाता है, तो उसे हम स्मरण करते हैं। और कोई घटना ऐसी मंगल में घटित होती है तो उस घटना से वह काल मंगलमय हो जाता है, इसलिए उस काल का भी हम स्मरण करते हैं। ये महापुरुषों के जीवन की घटनाएं जिनके आधार से ये पर्व मनाए जाते हैं, वो पर्वों के मनाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, आजकल सरकार भी इस बात को समझने लगी है। पहले तो महापुरुषों के जन्मदिन और इन अवसरों पर अवकाश घोषित कर चुके हैं, सब इनके जन्म जयंती, गांधी जयंती और अंबेडकर जयंती और सब जयंतियों में छुट्टियां, छुट्टी करो, घर बैठो। तभी नई सोच, नया विचार क्या आ रहा है इसमें कि इन महापुरुषों की जयंती पर अवकाश नहीं होगा, छुट्टी नहीं होगी, तो क्या करेंगे, सब विद्यालय महाविद्यालयों में गोष्ठियां करो, संगोष्ठियां करो। और गोष्ठी संगोष्ठी करके जिन महापुरुषों की जयंती विशेष मनाई जा रही है, वो उनकी जो विशेष जो कुछ भी उनका संदेश है, वो उनकी जो भी प्रेरणाएं हमको मिली हुई है, वो उसको प्रचारित प्रसारित किया जाए, उससे प्रेरणा ली जाए। तो जो मूल उद्देश्य उसकी प्रेरणा का है, वो प्रेरणा का उद्देश्य होना चाहिए। तो हमें भी धार्मिक पर्व भी इसी प्रकार से प्रेरणा देने के लिए हैं, तो उससे हमें विशिष्ट प्रेरणा लेनी चाहिए। अकेला बाह्य उत्सव मना लेने से उस पर्व के मनाने की सार्थकता नहीं होती है, उस पर्व से जो प्रेरणा लेनी चाहिए वह प्रेरणा लेने पर ही वास्तव में उसकी सार्थकता होती है। आज क्या घटना घटी थी, सर्वप्रथम मुनिराज ऋषभदेव को राजा श्रेयांश ने इक्षु रस का आहार दिया था, तो हमें किस बात की जल्दी है, इक्षु रस लेने की जल्दी है कि देने की जल्दी है, किस बात की जल्दी है, इक्षु रस लेने की जल्दी तो नहीं है ना, एक 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो चिंता मत करना। पर्व हमें उस अवसर का स्मरण दिलाते हैं, उस पवित्र कार्य की प्रेरणा दिलाते हैं। कुछ चर्चाएं सीधे इसके माध्यम से करते हैं, बहुत सारी बातें इसमें से अपने आप निकलती आएंगी। घटनाएं
उस घटनाओं के निमित्त से, और हम तो हर चीज को तत्व ज्ञान से जोड़ते हैं, जोड़ना चाहिए, उन परिस्थितियों को भी तत्व ज्ञान से जोड़कर देखना चाहिए क्या तत्व ज्ञान इनमें से हमको मिल सकता है। 82 पेज पर स्थापना का छंद है, कर्म भूमि की आदि में ऋषभ मुनि अविकार, नृप श्रेयांश दिया प्रथम इक्षुरस आहार, दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ सुमंगल का, अक्षय तृतीया का दिवस पूजे प्रभु सुख का। आहार दिया तो इसमें ऐसी क्या विशेष घटना हो गई जो पर्व बन गया? क्या मिराज के आहार नहीं होते हैं? आहार होते हैं, तीर्थंकरों तीर्थंकर मुनिराजों का जब आहार होता है ऐसे विशेष प्रकार से, तब पंचाश्चर्य होते हैं, पंच उस बराबर होते हैं, तो सभी तीर्थंकरों के हुए ना, तो ये ऐसा क्या विशेष हुआ जिसके कारण से पर्व के रूप में प्रचलित हुआ? दो घटनाएं, दो बातें इससे जुड़ती हैं। एक तो कर्म भूमि की आदि में ऋषभ मुनि अविकार, ये कर्म भूमि का प्रारंभ था, अभी तक कोई मुनि बने नहीं थे इस काल में भरत क्षेत्र में, ये जो अवसरपिनी का काल चल रहा है, इस अवसरपिनी में पहला दूसरा तीसरा चौथा, जैसे चौथा काल ही चल रहा था आदिनाथ के समय, तो चौथे काल का अंतिम अवसर ही था, तीसरे काल का अंत ही चल रहा था, और उंडावसरपिनी का प्रभाव ऐसा कि वह तीसरे काल में जन्म हुआ और तीसरे काल में ये सब घटनाएं चलती रही, फिर भी स्थिति परिस्थिति के अनुसार कर्म भूमि का प्रारंभ, ये समझ लीजिए कि उधर जल्दी हो गया, कर्म भूमि प्रारंभ हो गई उस तीसरे काल के अंत में ही, तो वो कर्म भूमि और उस प्रारंभ में अभी तक कोई मुनिराज बने नहीं थे, मुनि दीक्षा ली नहीं थी, और सर्वप्रथम तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले ऋषभ देव जो इस आदि के प्रथम तीर्थंकर, उन्होंने दीक्षा ली, तो दीक्षा तो उन्होंने ली, और दीक्षा लेते ही 6 माह का, ये घटना भी उसमें भी पढ़ेंगे, 6 माह का उपवास प्रतिज्ञा ले ली, 6 माह का उपवास लेकर के ध्यानस्थ हो गए, तो 6 महीने तक तो आहार के लिए निकलने का प्रश्न ही नहीं था, उपवास ही था। अब उपवास का काल पूरा हुआ उसके बाद तो चलेंगे निकलेंगे, इसमें भी दो बातें हैं, क्या मुनिराज ऋषभ देव को भूख लगी थी जिसके कारण से वे आहार के लिए निकले? कितने दिन बाद आहार मिला था? 13 महीने और कितने दिन ऊपर? 9 दिवस ना, 6 और फिर 7 दिन और 7 माह और 9 दिवस हुए ना ऊपर, तो इतने दिन तक जब 6 माह का उपवास किया था उसके बाद फिर 7 महीने 9 दिन तक कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 वर्ष का भी उपवास हो सकता था, कहाँ दिक्कत थी? जब आवश्यकता नहीं थी फिर वह आहार के लिए क्यों निकले? इस संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि वे मुनिचर्या की परंपरा आगे कैसे चले इसका भी वह प्रवर्तन करना चाहते थे, उन्हें आवश्यकता थी कि नहीं थी ये मुख्य नहीं है, वे वज्र ऋषभ नारायण संगरण के धारी थे, बरसों आहार नहीं मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, शिथिलता भी नहीं आने वाली थी, फिर भी आहार के लिए निकले क्योंकि ये मुनिचर्या कैसी होती है इसका वो प्रवर्तन कराना चाहते थे।
तो प्रवर्तन कराना चाहते थे तो फिर आहार की विधि भी बता देते हैं, आहार कैसे दिया जाता है, कैसे लिया जाता है, ये विधि भी तो बता देते। उसमें भी दो बातें हैं, एक तो तीर्थंकर बनने वाले जब मुनि दशा मुनि अपने व्रत अंगीकार कर लेते हैं उसके बाद मौन ही होते हैं, कोई उपदेश देते नहीं हैं, इस वजह से तो उपदेश देने का प्रश्न नहीं था। कदाचित कोई सामान्य मुनिराज होते तो उपदेश दिया जा सकता था ना कि आहार इस प्रकार से दिया जाता है, ये भी नहीं दिया जा सकता। 11 प्रतिमा के बाद 11वीं प्रतिमा में ही, 11 प्रतिमा नहीं 11वीं प्रतिमा, 11वीं प्रतिमा कौन सी है, उद्दिष्ट त्याग, वो 11वीं प्रतिमा में उद्दिष्ट त्याग है, जहां ये भी ख्याल में आ जाए कि उनके उद्देश्य से आहार बना हुआ है तो आहार नहीं लेते हैं, उद्दिष्ट त्याग है। और आहार दान का उपदेश देने का अर्थ ये है कि इस प्रकार से दान दो, किसे दो, तो वो सीधा ही स्वोद्देश्य जैसा हो जाता, उद्दिष्ट जैसा हो जाता, इसलिए कदाचित बोलते, तीर्थंकर मुनि तो बोलते ही नहीं है, सामान्य मुनिराज, तो सामान्य मुनिराज को भी मुझे आहार मिले इसके लिए देने का विकल्प हो ही नहीं सकता। उस पर जिरेंद्र रचना भी है क्या, जिरेंद्र रचना उसमें प्रारंभ का ही जो बात की लिखा ये स्थापना में, आज किनका स्मरण करने का दिन है, किनका, मुनिराज ऋषभदेव का कि राजा श्रेयांश का, किसका, कि दोनों का, दोनों का बराबर है, महिमा किसकी ज्यादा, दान की महिमा में ये ज्यादा प्रचलित, दान तीर्थ का भी आज प्रवर्तन हुआ इसलिए राजा श्रेयांश और उनको भी हम स्मरण करते हैं, 195 था पेज नंबर, तो वो दान दिया, उन्होंने दान दिया, देने वाला श्रेष्ठ की लेने वाला, देने वाला श्रेष्ठ की लेने वाला कौन श्रेष्ठ है, क्या इसमें है नहीं क्या, जिरेंद्र रचना में जो शब्द लिखा है उस पर मैं अक्षय तृतीया पर्व दान का, ऋषभ देव ने दान लिया, नृप श्रेयांश दान दाता थे, जगती ने यशगान किया, किसका यशगान किया, राजा श्रेयांश का कि ऋषभ देव का, लेने वाले का कि देने वाले का, किसका, अच्छा चलो देने वाले का भी यशगान किया और अभी तक भी कर रहे हैं, राजा श्रेयांश ही दान तीर्थ के प्रवर्तक कहलाए, उनका यशगान हम कर रहे हैं, लेकिन यशगान अधिक किसका हुआ, ऋषभ देव का कि राजा श्रेयांश का, ऋषभ देव का ही हुआ। उसके बाद भी अब अगले छंद में लिख रहे हैं, अहो दान की महिमा तीर्थंकर भी लेते हाथ पसार, दान की महिमा तीर्थंकर भी हाथ पसार कर लेते हैं, तो हाथ पसारना किसी के सामने ये अच्छी बात है क्या, फिर वो लेने में इस बात को इतनी महिमावंत क्यों करते हैं, ये इसका अपने आप में ही ऐसा सहज संबंध है, अंदर आवश्यकता है और आवश्यकता होते हुए भी दीनता नहीं है, आवश्यकता तो है, आवश्यक आवश्यकता, उसके बाद भी दीनता नहीं है, जब मांग रहे हैं तो दीनता कैसी नहीं है, कि मांग तो रहे हैं लेकिन दीनता इसलिए नहीं है, कब लेंगे, जब नवधा भक्ति पूर्वक देंगे तभी लेंगे,
इसलिए दीनता नहीं है। फिर मांग तो रही है ना, तो आवश्यकता है तो मांग रहे, तो मांग तो हुई ना, लेकिन मांगते हुए भी तो मांगा कैसे, किस रूप में मांगा, दीन वचन नहीं कहे हैं, सिर्फ संकेत मात्र है। जो आहार के लिए विधि लेकर के निकलते हैं वह वो संकेत से गृहस्थ समझे और समझ करके नवधा भक्ति पूर्वक दे तब लेंगे। इसलिए फिर भी ये वो विधि लेकर के जाना, वो आंकड़ी लेकर के उसको लेकर के जाना, मुद्रा लेकर के, आहार की मुद्रा लेकर के जाना, वो भी तो एक मांगना ही हुआ ना। हाँ, मांगना ही है। और इसलिए 22 परिशहों में याचना भी एक परिशह, 22 परिशहों में वो याचना नाम का भी एक परिशह रखा। यदि शरीर शिथिल होता जावे, शरीर के लिए आहार की आवश्यकता होवे, तो निकलेंगे, गृहस्थों से याचना करनी पड़ेगी, लेकिन वह याचना करने की विधि सिर्फ संकेत मात्र होगी, दीन वचन बोल करके नहीं होगी। और वहां जाने के बाद भी नवधा भक्ति पूर्वक देंगे तब लेंगे। बहुत सारे उल्लेख बने उस मुनिराज की उस चर्या के संदर्भ में दिए, तो नवधा भक्ति पूर्वक दे रहेंगे तो लेंगे, ठीक है, कैसे लेंगे। इसलिए उसको कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये मुनिराज की जो आहार की विधि होती है इसको भौरी बोलते हैं, भौरी, भौरी शब्द कई बोलते हैं, भौरी, मुनिराज की भौरी। आज हमारे यहाँ मुनिराज की भौरी हुई है, भामरी, उसे भौरी, वो बिगड़ते बिगड़ते भौरी हो गया ना, तो वो क्योंकि भ्रामरी वृत्ति से लेते हैं, और भ्रामरी वृत्ति से माने जैसे भ्रमल फूल पर बैठ करके और उसमें से शहद ले लेता है, उसे आवश्यक है उतना ले लेता है, लेकिन लेने के बाद भी फूल का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, प्रभावित नहीं होता है, ऐसा भ्रामरी वृत्ति से अल्प लेकर के सामने वाले को कोई पीड़ा न हो, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इस प्रकार से वहां से लेते हैं। तो ऋषभ मुनिराज ने अपने देह की आवश्यकता नहीं होते हुए भी एक प्रवृत्ति के लिए ये लिया और हाथ पसार लिया, तो विधि है उस विधि से ही लिया जाएगा, और विधि से लेने पर लेने वाले का हाथ नीचे, देने वाले का हाथ ऊपर, तो लेने वाले का हाथ नीचे, देने वाले का ऊपर, इसलिए देने वाला श्रेष्ठ हुआ, ऐसा तो है नहीं। उत्तम त्याग धर्म वाले, त्याग धर्म वाले निबंध में डॉक्टर साहब ने ऐसा लिखा, ये ऊंचे नीचे स्थान से क्या होता है, मक्खी यदि राजा के मुकुट पर जाकर के बैठ जाए तो श्रेष्ठ हो जाएगी, तो ऊंचे स्थान होने से ही कोई श्रेष्ठ हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। वो हाथ ऊंचा है इसलिए कोई श्रेष्ठ हो गए, ऐसा नहीं, नीचे है इसके लिए श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। देने लेने वाले के संदर्भ में भी, देने वाला और लेने वाला कौन श्रेष्ठ, आहार दान में लेने वाले ही श्रेष्ठ है, लेने वाले श्रेष्ठ है, तभी तो नवधा भक्ति पूर्वक दिया जा रहा है। नवधा भक्ति, उसमें नवधा भक्ति में पड़गाहन, उसके बाद में पाद प्रक्षालन, भुच्चासन, फिर पूजन, पूजन भी करके फिर दिया जाता है, तो पूजा करने के बाद पूज करके दिया जा रहा है इतना। वो इसलिए आज क्यों कर रहे इतना से भी, क्योंकि श्रेष्ठ है तब कर रहे हैं, इसलिए लेने वाला श्रेष्ठ। ज्ञान दान के संदर्भ में भी ये बात कही जाती है, ज्ञान दान के संदर्भ में, लेकिन वो पूरी तरह से घटित नहीं हो सकती। ज्ञान दान में देने वाला श्रेष्ठ की लेने वाला श्रेष्ठ, देने वाला की लेने वाला श्रेष्ठ, वहां लाभ की मुख्यता से कह सकते हैं, देने वाला लाभ में कि लेने वाला, लेने वाला लाभ में रहता है, वहां ये बात इसलिए पूरी तरह से घटित नहीं कर सकते। ज्ञान दान के सर्वोत्कृष्ट दाता अरहंत भगवान है, अरहंत भगवान। अब किसी अपेक्षा से
उनसे उच्च तो कौन होगा, जितने ज्ञान लेने वाले हैं वो उनसे ऊंचे तो नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, लाभ की बात कही जाए, लाभ लेने वालों को लाभ मिलता है, देने वालों को क्या लाभ मिलता है, तो अनंत भगवान तो पूर्णता को ही प्राप्त हो चुके हैं, तो उनके लेने देने की बात ही वहां कहां है। नप श्रेयांश दिया प्रथम इक्षुरस आहार, इक्षुरस का आहार दिया, और आहार क्यों नहीं दिया, तो सहज उपलब्धता शुद्धता और तत्काल निकाल करके देने की दृष्टि से, और उस समय वो इक्षुरस कैसे निकालना करना, ये सभी उपदेश भी गृहस्थ दशा में राजा ऋषभ देव ने ही दिया हुआ था। अष्टक के हर एक में जो अचरी वाले छंद आए हैं वो छंद भी बहुत अच्छे हैं इसके, वो हर एक में है, एक में हम पढ़ते हैं इसे, पूजे हम ऋषभ मुनीश हो युक्ताहारी साक्षात अनाहारी हो शिव मगचारी, तो चार पंक्तियों का है, अपन दो पंक्तियों की बात कर रहे हैं। इस अवसर पर हम ऋषभ मुनिराज की पूजा करते हैं, दो इसमें निश्चय व्यवहार दोनों का स्मरण दिलाया, कैसी पूजा करें, हो युक्ताहारी साक्षात अनाहारी और फिर शिव मगचारी। स्वभाव से अनाहारी है, स्वभाव से अनाहारी, अनाहारी माने ये आहार की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को आहार की आवश्यकता नहीं है, देह को आवश्यकता होगी, आत्मा के लिए आहार की आवश्यकता नहीं है। मुनिराज भी जब आहार के लिए निकलते हैं तो उन्हें सिद्ध भक्ति जो विधि लेते हैं, वो विधि लेने से पहले जो भक्ति करते हैं उसमें सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, और सिद्ध भक्ति में कहते हैं अनशन स्वभावी आत्मा का ध्यान करके फिर अशन के लिए निकलते हैं, माने निकल रहे आहार लेने के लिए, लेकिन किसका स्मरण करके निकलते हैं, अनशन स्वभावी आत्मा का, माने आत्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं है लेकिन देह साथ में है उसकी स्थिति के लिए आवश्यकता है, इसलिए भोजन आहार लेने के लिए निकलते हैं। तो अनशन स्वभावी आत्मा का स्मरण करके यहां भी करे साक्षात अनाहारी, आत्मा को आहार की आवश्यकता नहीं है। भरत चक्रवर्ती का भी ऐसा प्रसंग भरतेश वैभव में दिया, वे भोजन के लिए बैठे हुए हैं और उनकी पट रानी भोजन की व्यवस्था करा रही है और वे थोड़े से चिंतित से बैठे हुए हैं, सब परसा जा रहा है, सब लगाया गया है और फिर भी चिंतित बैठे हैं। अब पटरानी सोचती है कि ये पूरे छह खंड का राज्य है, थोड़ी सी चिंता लगी होगी, थोड़ी देर इंतजार करती है, फिर देखती है कि अब सब तैयार है और फिर भी नहीं ले रहे, तब तो टोकना पड़ेगा, वो टोकती है, क्या बात है, छह खंड के इसके संभालते संभालते चिंता होने लगी है क्या। तब वो चक्रवर्ती क्या उत्तर देते हैं कि कहाँ छह खंड की चिंता करने की मुझे जरूरत है, वो तो सहज संभलता है अपने आप, उसे मुझे कुछ नहीं संभलना पड़ता, तो फिर किस बात की चिंता है, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। किस बात का चिंतन कर रहा हूँ, ये सामने आहार रखा हुआ है, ये इसको देखकर मैं अपनी आत्मा को समझा रहा हूँ, ये तुम्हारा भोजन नहीं है, मैं तो नित्यानंद भोजी हूँ। आत्मा तो कैसा है कि नित्यानंद भोजी है, नित्य आनंद का भोजन करने वाला, ज्ञान और आनंद का भोजन करने वाला है, और उसके इस भोजन की कहाँ आवश्यकता है, इसे मैं अपनी आत्मा को समझा रहा हूँ, फिर भी देह की स्थिति के लिए लेना पड़ता है। आहार लेना शोभादायक है कि लज्जादायक है, भगवान की बात है कि हीनता की, कोई देह है, यही देह धारण करना पड़ रही है, हीनता है और इसकी स्थिति के लिए लेना पड़ रहा है, इसलिए कहते पहले अनाहारी भोजन, आत्मा के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है, शरीर के लिए है, तो ठीक है लेना, कैसा लेना, उचित लेना, युक्ताहारी, भक्ष भोजन ही लेना,
और सही समय पर ही लेना, युक्त आहारी। तो ये मुनिराज को आहार देना है, ये आहार की घटना घटी, तो इसको स्मरण करना चाहिए कि आत्मा वास्तव में अनाहारी है, फिर भी देह के लिए आहार लेना पड़े तो युक्त आहार ही लिया जाए। और ऐसा अनाहारी स्वभाव का ध्यान रखने वाले, देह के लिए उचित आहार लेने वाले ही शिवमगचारी मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। यदि मात्र युक्त आहार ही लेते हो और अनाहारी आत्मा के स्वभाव का भान नहीं हो तो मोक्ष मार्गी नहीं है। अनाहारी स्वभाव को जानते तो हो लेकिन युक्त आहार नहीं करते हो, अभक्ष भक्षण करते हो, तो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रखा जा सकता, वे मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। अब जो ये घटना हुई इस संदर्भ में जयमाला में वर्णन किया। दीक्षा लेकर ऋषभ मुनीश्वर 6 महीने उपवास किया, फिर आहार निमित्त ऋषिश्वर जगह जगह परिभ्रमण किया। ये तो घटना सबको ख्याल में है, 6 महीने तो उपवास किया, उसके बाद निकले आहार के लिए और फिर जगह जगह परिभ्रमण किया। रोज निकल रहे हैं, अब निकल रहे हैं तो सामने क्या घटना हो रही है, कोई हाथी घोड़े वस्त्राभूषण रत्नों के भरथाल ले सन्मुख आदर से आवे, देख साधु लौटे तत्काल। हाथी ला रहे, घोड़े ला रहे, वस्त्राभूषण ला रहे, रत्नों के थाल भर करके ला रहे हैं, और उसमें पुराण में तो ऐसा भी लिखा कि अपनी कन्याएं तक देने के लिए तैयार है, विवाह करो, रहो आराम से, क्यों कष्ट में रहते हो। ये सब दे रहे हैं तो दे रहे तो मुनिराज ले क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं उन्हें। देख साधु लौटे तत्काल, ये सब हो रहा है तो भी लौट करके जा रहे हैं। नहीं जाने आहार विधि, इससे सब ही लाचार हुए, अंतराय का उदय रहा 13 महीने 9 दिवस हुए। नहीं जाने आहार विधि, इससे सब ही लाचार हुए। कर्म के उदय की स्थिति बड़े कितने अलग अलग प्रकार की है, माने हरेक का, जैसे इधर कौन सा ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा इसके संदर्भ में, जैसे ये नियम है ना, स्वावरण क्षोभम लक्षण योग्यता प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। स्वावरण क्षोभम लक्षण योग्यता, जिस संबंधी आवरण का क्षोभम होगा वो जानने में आएगा। तुम्हारे पास लब्धि में बहुत ज्ञान हो तो भी, और सामने सारे पदार्थ आंखों के सामने हो वहीं तो भी, लब्धि में बहुत पड़ा है तो भी ज्ञान नहीं होगा, सामने हो तो भी ज्ञान नहीं, किसका होगा, जिस संबंधी क्षोभम हुआ होगा उसका ज्ञान होगा। ऐसे ही भले ही सब प्रकार के पुण्य पल्ले में बंधा हुआ हो लेकिन जब जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज की, उस प्रकार के पुण्य का उदय होगा तो उपलब्ध होगी। माने हरेक के साथ अलग अलग है। ऋषभ मुनिराज, क्या पुण्य नहीं था, क्या पुण्य नहीं होगा, यदि पुण्य नहीं होता तो तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती, तो तीर्थंकर प्रकृति बंधी ना, और साथ में तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बनती है ना, बनती रहती निरंतर, इसका मतलब उस प्रकार का परिणाम भी है, पुण्य उस प्रकार का बन रहा है। इतना पुण्य था तीर्थंकर पने का नहीं, वो तीर्थंकर तो प्रकृति के साथ साथ और बंधा हुआ कि जिसके कारण से गर्भ कल्याणक मनाया। गर्भ कल्याणक कैसा मनाया, गर्भ कल्याणक ऐसा मनाया कि गर्भ में आने से 6 माह पहले से ही नगरी की रचना हुई, रत्नों की वर्षा हुई, ये सब किया 6 महीने पहले से, और 9 महीने बराबर फिर उनकी माता की सेवा की गई 15 महीने तक, और फिर जन्म हुआ, फिर जन्म कल्याणक बनाया, तो बिना पुण्य के उदय के हो नहीं सकता, तो इतना सब ठाट बाट किया। और वो तो ऋषभ देव का तो फिर 83 लाख पूर्व तक राज्य में रहे, राजकाज संभाला,
और उसके बाद जब वैराग्य का परिणाम हुआ नीलांजना की नृत्य के घटना से, नृत्य और उसमें मरण होने को देख करके वैराग्य हुआ, उस समय फिर सौधर्मादि इंद्र दीक्षा कल्याणक बनाने के लिए आए, स्वर्ग से पालखी लेकर के आए और वन जंगल में जाकर के वहां तक लेकर गए, दीक्षा हुई, उसका पूरा उत्सव मनाया गया, तो वहां तक भी पुण्य का उदय था उस प्रकार का। अब हो गया, उनका काम हो गया, चले गए। अब ये अपने ध्यान में मग्न हुए और 6 महीने का उपवास किया। अब 6 महीने के बाद फिर अब आहार के लिए निकले। इसमें एक जो बात लिखी, अंतराय का उदय रहा 13 महीने 9 दिवस हुए। कितने दिन अंतराय का उदय रहा, कितने दिन अंतराय का उदय रहा ना? 13 महीने 9 दिवस नहीं, क्योंकि 6 महीने तो उपवास लिया था। कोई चीज के लिए जाए और उसमें बाधा आए तो अंतराय कहलाएगा ना। तो आहार की आवश्यकता नहीं थी, निकले नहीं थे तो अंतराय का प्रश्न नहीं है। उसके बाद जब निकले, इसलिए 7 महीने 9 दिवस, तो फिर यहां 13 महीने कैसे लिखा है? तो ये नहीं, अंतराय था, अंतराय का उदय रहा, इसके कारण से नहीं मिला 7 महीने 9 दिवस, तो कुल कितना हुआ? तो अंतराय रहा नहीं कह रहे, 13 महीने 9 दिवस हुए। अब इस स्थिति में मुनिराज की स्थिति क्या थी? अभी मैं 15-20 मिनट ज्यादा बोलूंगा ना तो सबके पेट में चूहे कूदने लग जाएंगे, और क्या स्थिति होगी है? और उसमें फिर जिसके डायबिटीज वाला होगा तो फिर जिसको जिसकी तकलीफ होगी तो फिर कैसे तड़पड़ाने लग जाते हैं। थोड़ी सी देर होते ही हमारी क्या स्थिति होती है और मुनिराज की क्या स्थिति हुई होना चाहिए। धन्य मुनीश्वर धन्य आत्मबल, आकुलता का लेश नहीं। तृप्त समय में स्वयं में मग्न स्वयं में किंचित भी संक्लेश नहीं। ये परिणाम क्या वह वज्रषभ नाराज संगणन देह की मजबूती के कारण से है कि आत्मबल के कारण से है? धन्य मुनीश्वर धन्य आत्मबल, आकुलता का लेश नहीं। तो शारीरिक बल होने से अंतरंग के आकुलता व्याकुलता न हो ऐसा नहीं है। शारीरिक बल तो हो लेकिन इच्छाएं बहुत हो, और इच्छा के अधीन हो जाए तो आकुल व्याकुल होगा। इसलिए आत्मबल के आधार से, और वे तृप्त स्वयं में मग्न स्वयं में किंचित भी संक्लेश नहीं। अंतराय का उदय और उसके कारण से नहीं मिल रहा है, क्या परिणाम चल रहा होगा? उदय नहीं हो दुख का कारण, यदि स्वभाव का आश्रय हो, निज से चुत हो दुखी रहे, तो फिर उपचार उदय पर हो। उदय दुख का कारण नहीं है, कर्म का उदय। हम स्वभाव से चुत होकर के उसका लक्ष्य करते हैं तो स्वयं दुखी होते हैं और फिर उदय पर उपचार दिया जाता है। इसलिए दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जनागम में, हमारे परिणाम बिगड़ करके जा रहे हैं उधर और हम दोष किसको दे रहे हैं? उदय को, कर्म के उदय के कारण ऐसा हो रहा है। प्रवचन में नींद आने लग जाती है और थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया हो तो क्या कहता है, क्या करे, दर्शनावरणी का उदय है, उदय को याद करता है ना, दर्शनावरणी का उदय है, दर्शनावरणी के उदय से हुआ। ये उदय के कारण से कि हमारी अरुचि के कारण से, रुचि जागृत होवे। दुकान पर नींद नहीं आती है, दुकान पर बैठा हुआ तो दर्शनावरणी का उदय नहीं आता है, वहां नहीं आता है, वहां से उठ करके यहाँ आकर के बैठते ही दर्शनावरणी का उदय आने लग जाता है। तो रुचि अरुचि का खेल है। दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जनागम में, कहाँ कहाँ जनागम में अनीति कहाँ कही है? स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और दोष कर्मों को देता है, ऐसी अनीति जन धर्म में तो संभव नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा ना, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में, भेद ज्ञान कर द्रव्य दृष्टिधर, स्वयं स्वयं में मग्न रहो, स्वाश्रय से ही शांति मिलेगी, आकुलता नहीं व्यर्थ करो। वो जो जिस चीज की प्राप्ति हमें नहीं हो रही है
और वो नहीं हो रही तब तक हम आकुल व्याकुल हो रहे हैं, क्या होगा? घर में भोजन का समय हुआ, किसी भी कारण से देरी हो गई होगी, जाकर के हम हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, क्या है देर कर दी, इतनी देर कर दी, क्या होगा उससे? हल्ला हमारे हल्ला गुल्ला मचने से क्या होगा, वो समय पर ही भोजन मिलने वाला है ना, और तब तक शांत परिणाम रखेंगे तो क्या बिगड़ेगा, और आकुल व्याकुल होंगे तो क्या होगा? आकुल व्याकुल होने से दुखी होने वाले हैं, वो शांत परिणाम रखना ही उसका उपाय है। अशरण जग में अरे आत्मन नहीं कोई वो अवलंबन, तज कर झूठी आस पराई अपने प्रभु का करो भजन। अशरण क्यों कह रहे हैं, माने उस स्थिति में 7 महीने 9 दिवस तक आहार नहीं मिला, कोई शरण नहीं है, तो जब तक तत्संबंधी उदय चल रहा हो तब तक कोई शरण नहीं है, वो कार्य हो ही नहीं सकता है। इंद्रादिक से सेवक चक्री, काम देव से सुत जिनके, देखो एक समय पहले भी नहीं आहार मिले उनके, उनके लिए भी ये स्थिति है। और हम किस खेत की मूली है जो घर में जाकर के हल्ला मचा देते हैं कि क्यों नहीं जल्दी मिल रहा है, और उनको भी एक समय पहले आहार नहीं मिल सकता है, सब कुछ खड़े हुए हैं तो भी, तो ये पुण्य का भी उस तरह का पुण्य तो है, लेकिन इस आहार संबंधी अभी पुण्य का उदय नहीं है। अब कैसे मिला, हुई योग्यता सहजपने ही, सर्व निमित्त मिले तत्क्षण, मंगल सपनों का फल सुनकर नृप श्रेयांश ते हर्ष मगन। राजा श्रेयांश, हम राजा श्रेयांश की बात करते हैं, और जब प्रथमानियोग पढ़ते हैं तो उसमें राजा सोम है, राजा तो सोम थे, इनके बड़े भाई वो राजा थे और ये इनके छोटे भाई थे श्रेयांश। अब राजा तो सोम ही है ना, ये तो छोटे भाई हैं, हाँ क्या चीज श्रेयांश को ना, नहीं लेकिन श्रेयांश को राजा क्यों कहते हैं, जब राजा तो सोम ही है, अब छोटे भाई युवराज राज जो भी कहा जाता हो, लेकिन इनको भी राजा के रूप में ही प्रसिद्धि मिली। राजा श्रेयांश, इनको स्वप्न आए, इन्हें 7 स्वप्न आए थे, सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्ष, रत्नों की राशि, समुद्र और सूर्य चंद्र, ऐसे 7 स्वप्न आए थे, और इन्हीं स्वप्नों की चर्चा बड़े भाई सोम से कर रहे थे, और उसमें ये सब निश्चित मालूम चला था कि कोई दर्शन हमको मिलने वाले हैं। जब तक वो मुनिराज ऋषभदेव नगर में आए और राजमहल के सामने आए, तब तक भी अभी जाति स्मरण नहीं हुआ था, आने वाले हैं ये सब स्वप्नों के फल से ज्ञात हुआ, लेकिन अभी आहार की विधि जानने में नहीं आई थी। जब मुनि अवस्था में उनके दर्शन किए और मुनि अवस्था में दर्शन करते ही फिर जाति स्मरण हुआ कि ऐसे ही मुनि अवस्था के दर्शन पहले वज्रजंग और श्रीमती वाले भाव में, 8 भाव पहले, इससे 8 भाव पहले उस समय श्रीमती के जीव के रूप में थे, और यही अभी जो ऋषभदेव मुनि बन करके आए हैं ये उस समय राजा वज्रजंग थे, और दोनों ने मिलकर के उनके ही 100 पुत्रों में से 2 युगल हुए थे, 50 जोड़ी, उसमें से जो अंतिम युगल वे दोनों मणिराज आकाशगामिनी आकाश उससे आए, और वो वन जंगल ने वहाँ उनको प्रदान करके विधि पूर्वक आहार दिया था, वो पूरा स्मरण आया, किस प्रकार से आहार दिया था वो स्मरण आया, और उसके आधार से फिर उसी विधि से प्रदान करके विधि पूर्वक फिर उन्होंने आहार दिया। देखा आते ऋषभ मुनि को जाति स्मरण हुआ सुखकार, नवदा भक्ति पूर्वक रूप ने दिया इक्षुरस का आहार। इस पर ये जाति स्मरण हुआ, ये 7 महीने 9 दिवस बाद क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, ऐसे ही प्रश्न वहां भी किया ना, महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होने के बाद कितने 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी, तो क्यों नहीं खिरी, गंधर्व नहीं थे, फिर क्या हुआ कि सौधर्म, फिर अवधि ज्ञान से जान करके फिर कौन गंधर्व बनने वाले हैं, वह गौतम
जो कि अन्य मत में थे उनको लेकर के आए और वो घटना पूरी घटित हुई। धवला में ऐसा प्रश्न किया कि ये सौधर्म इंद्र जब 66 दिन के बाद लेकर के आए, तो जब केवल ज्ञान हुआ था, जैसे ही केवल ज्ञान हुआ तो ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए सौधर्म इंद्र आए थे ना, और सौधर्म इंद्र आए थे और सौधर्म इंद्र ने 1008 नामों से स्तुति की थी, भगवान की स्तुति की थी कि, और समोसरण की रचना की तो 66 दिन तक भी रचना होती रही ना, तो सौधर्म इंद्र तो उपस्थित तो थे ही ना, फिर क्यों नहीं किए, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। तो काल लब्धि आए बिना कार्य नहीं होता है, तो काल लब्धि थी नहीं उसकी, इसलिए नहीं गया। ऐसे ही जाति स्मरण पहले क्यों नहीं हुआ कि इस कार्य की काल लब्धि नहीं आई थी, इसलिए काल लब्धि आए बिना कार्य नहीं होता। उसमें किसी में पढ़ा मैंने ये कि उपादानगत योग्यता नहीं थी, मुनि ऋषभ देव को आहार मिलने की उपादानगत योग्यता नहीं थी, इसलिए उधर निमित्त भी उस प्रकार से नहीं मिले, नहीं बनते गए। और अच्छा, निमित्त नहीं मिले ऐसा कि निमित्त तो सब खड़े हैं ना, वही तो हैं, महल खड़ा, सब तो खड़े हैं, सभी हैं, सब दे रहे हैं, देने के लिए तैयार है, लेकिन उस प्रकार का नहीं, क्योंकि उधर उपादानगत योग्यता नहीं थी। फिर क्या हुआ, ये उपादानगत योग्यता आहार प्राप्त करने की आई तो बराबर उधर भी सहज सभी निमित्त मिले, और उसका सहज ही सुमेल ऐसा निमित्त उपादान का रहता है। पंचाश्चर्य किए देवों ने, रत्न पुष्प थे बरसाए। ये पांच आश्चर्य कौन कौन से, रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, पवन सुगंधित, शीतल चलती, जय जय से नव गूंजाए। सुगंधित पवन चल रही है, सुगंधित जल की वर्षा हो रही, जल वृष्टि हो रही है और जय जयकार हो रही है, ये पंचाश्चर्य। धन्य पात्र है, धन्य है दाता, धन्य दिवस, धनी है आहार, दान तीर्थ का हुआ प्रवर्तन, घर घर हो गए मंगलाचार। ये दान, दान की चर्चा इसके साथ में की गई है। धर्म, ये जो धर्म, जिन धर्म, धर्म रूपी रथ कहा उसे, और धर्म रूपी रथ के लिए, धर्म रूपी रथ के दो पहिए हैं, एक मुनिराज और एक श्रावक, ये दोनों का ऐसा सुमेल है, मुनिराज और श्रावक का। बिन दान श्रावक साधु, दोनों लहे नाही बोध को, ये दोनों ही बोध को प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये इनका ऐसा क्यों है, दोनों बोध को प्राप्त क्यों नहीं हो सकते हैं। यदि गृहस्थ आहार नहीं देंगे तो मुनिराज का जीवन चलेगा कैसे, और मुनिराज का जीवन नहीं चलेगा तो फिर वह रत्नत्रय की आराधना कैसे करेंगे। नहीं लहे बोध को, बोध की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति, रत्नत्रय की आराधना करेंगे कैसे वह। तो ठीक है, श्रावक आहार देता है, मुनिराज आहार लेते हैं, वह उसके कारण से उनके रत्नत्रय की आराधना होती है, तो हो गया कि नहीं। बिन दान श्रावक साधु दोनों, तो श्रावक ने दिया, मुनिराज ने लिया, तो हो गया। तो अकेले मुनिराज को ही बोधि की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं करनी है, श्रावक को ही करनी है। श्रावक को कैसे होगी, श्रावक को ये मार्ग कहाँ से मिलेगा कि मुनिराज से मिलेगा। तो मुनिराज यदि ज्ञान दान नहीं देंगे तो श्रावक को रत्नत्रय की प्राप्ति कैसे होगी, फिर देव से हो जाएगी ना, नहीं होगी देव से। देव से कैसे नहीं होगी, साक्षात देव है, साक्षात देव होने पर भी उनकी जो दिव्य ध्वनि है, गणधर देव द्वादशांग रूप से गूंज करके फिर उसका निरूपण करते हैं, चलो उस रूप में साक्षात जब सुनते हैं तो अलग बात है, फिर उसके बाद जो परंपरा चलती है वो मुनिराज से ही चलती है। और हाँ, ये तो उनके लिए भी कहा, मुनिराज, मुनिराज के लिए नहीं, देव शास्त्र गुरु तीनों के लिए। तुमसा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग के, हाँ जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो, समसम की अविनश्वर मनिया, माने जगत का स्वरूप जगत को बता दिया, आप सभी भगवान आत्मा हो ये बता दिया। तो ये ज्ञान दान देते हैं वो, माने जितने शास्त्र के माध्यम से भी हमें मिल रहा है वो तो मुनिराज ने लिखा ना, इसलिए ये मुनि, मुनिराज का उपकार ज्ञान के संदर्भ में बहुत है,
इसलिए उनके माध्यम से हमें ज्ञान दान मिलता है, उन्हें हम आहार दान देते हैं, उससे उनका जीवन चलता है, वो अपनी आराधना करते हैं और वे हमें ज्ञान दान देते हैं, जिससे हम रत्नत्रय को वस्तु स्वरूप को समझकर उस मार्ग पर आगे चलते हैं। और इस युग की आदि में आहार लेने का और आहार देने का ये घटना सर्वप्रथम घटी थी। धन्य पात्र है, धन्य है दाता, धन्य दिवस धनी है आहार, दान तीर्थ का हुआ प्रवर्तन, घर घर होवे मंगलाचार। तो दान तीर्थ का प्रवर्तन तो हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ? दान देने की प्रवृत्ति अंदर में आनी चाहिए। इसके लिए कितने प्रकार का दान होता है? चार प्रकार का। कौन कौन सा? आहार, आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान, ज्ञान दान। कौन सा श्रेष्ठ है इसमें से? ज्ञान दान को श्रेष्ठ कहते हो। दे दो ज्ञान, किसको दोगे? ज्ञान दान श्रेष्ठ है ना, दो ना, किसको दोगे? मरते हुए को बचाओ पहले, मर ही जाएगा तो फिर किसको दोगे? इसलिए अभय दान, जीवित रहे ना तब तो दिया जा सकेगा, तो अभय दान। अभय दान आपने बचाया तो सही, बचा लिया, लेकिन बचाने के बाद जीवित रहना तो चाहिए बाद में, तो बिना भोजन के जीवित रहेगा क्या? भोजन भी तो चाहिए, बिना आहार के कैसे रहेगा? तो आहार देना। आहार देते देते भी कोई रोग आ गया तो फिर क्या होगा? फिर भी नहीं रह पाएगा, तो क्या दे दो? औषधि दे दो। अब बचा लिया, आहार दिया, औषधि दे दी, बढ़िया जीवन चल रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, इसके लिए दान दिया था क्या? किसके लिए दिया था, क्या उद्देश्य था? तो वहाँ फिर ज्ञान दान उसके साथ में। उद्देश्य तो मूल में ज्ञान दान का ही है, उद्देश्य तो वही है, लेकिन ये सब उसके साथ में जुड़े हुए हैं। इनके साथ में हमारे परिणामों में आज के दिन ये परिणाम आना चाहिए, अकेले हमें जो कुछ भी अनुकूलता प्राप्त हुई है वह उस प्रकार की अनुकूलता अकेले हमारे लिए प्राप्त नहीं हुई है। जितना हमारे पास है वह पूरा हम भोग नहीं सकते हैं और देना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा उसका? धन की तीन गति कही ना, दान, भोग या नाश। भोग तो सकेंगे नहीं उतना पूरा, पूरा नहीं, कितना भोगोगे? और दान देना नहीं चाहते, क्या होगा फिर उसका? नाश ही होने वाला है। इसलिए आज के दिन पात्र को उचित दान देने का निश्चित रूप से परिणाम होना ही चाहिए। यदि दान न दिया जाए तो ये सारी परंपरा चलेगी कैसे? अभी तक जो परंपरा चलती आ रही है ये सब गणधर देव ने ज्ञान का दान दिया और सभी मुनिराजों ने, अभी तक हमें ज्ञानियों ने ज्ञान का दान दिया, इसलिए हमारे पास में उपलब्ध है। लेकिन अकेले ये ज्ञान के दान मात्र से नहीं चला है, उसके साथ साथ में धनियों ने भी धन का दान दिया, तब जाकर के ये सब सुरक्षित और आगे बढ़ रहा है। तो धनियों के धन की वास्तव में सब सर्वोत्कृष्ट उपयोगिता क्या है उसकी, इस कार्य में अधिक से अधिक धन लगे तो ये आगे बढ़ता रहे। जिसके पास जो है उसे देख करके आगे बढ़ावे ना, जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान का दान दे, जिनके पास धन है वो धन का दान दे, और इसके माध्यम से ये प्रवृत्ति जो चली आ रही है वो निरंतर आगे चलती रहे अपने अपने सामर्थ्य। आज के दिन ये दान का तीर्थ है ना, यद्यपि निश्चय की अपेक्षा से भले ही हम बात करते हैं, अपने में ही मग्न रहना, अपने स्वरूप को समझना, लेकिन ये सारा वातावरण जिसके निमित्त से बनता है उसमें अपनी योग्यता अनुसार अपना सहयोग निश्चित रूप से रहना चाहिए। पूरा करते हैं, ऐसे तीन चार पंक्तियां रहेगी। जो तिथि वैशाख सदी तृतीया थी, अक्षय तृतीया पर्व चला, आदिश्वर की स्तुति करते सहज ही मुक्ति मार्ग मिला,
ऋषभ देव सम रही धीरता, आराधन निर्विघ्न खिले, नहीं मिले भोजन तक फिर भी आराधन से नहीं चले, थकित हुआ हूँ भव भोगों से, लेश मात्र नहीं सुख पाया, हो निराश सब जग से स्वामिन, चरण शरण में हूँ आया, यही भावना स्वयं स्वयं में, तृप्त रहूँ प्रभु तुष्ट रहूँ, ध्येय रूप निज पद को ध्याते, ध्याते शिव पद प्रकट करूँ, ज्ञाता हो दाता बने, रंचन हो अभिमान, ज्ञाता हो, सभी हम ज्ञाता दृष्टा तो है ही ना, अब ज्ञाता ही मात्र मत बने रहो, साथ में क्या बनो, दाता बने, लेकिन रंचन हो अभिमान, लेकिन मैं देता हूँ, अरे कोई किसी को कुछ नहीं देता है, करता नहीं है, सब अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार होता है, पुण्य पाप के अनुसार होता है तो दे करके पुण्य का भाव क्यों नहीं किया जाए, अपने परिणामों में उसका परिणाम, लेकिन रंचन हो अभिमान, धर्म तीर्थ जयवंत हो, उत्तम त्याग महान, इसके बाद भी दान तीर्थ भी है ही, लेकिन उसमें भी धर्म तीर्थ ही उत्तम है और उसमें त्याग की ही श्रेष्ठता है, देने में ही श्रेष्ठता है, देने में श्रेष्ठता है और उससे श्रेष्ठता छोड़ने में है, त्यागने में है, इसलिए मुनिराज धर्म तीर्थ पर आगे बढ़ते चले गए। प्रथम युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर हो करके इस युग में मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन किया और ये मोक्ष मार्ग पंचम काल के अंत तक चले, इसके लिए राजा श्रेयांश ने दान दे करके दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। ये धर्म और दान का ऐसा सहज सुमेल है और ये सुमेल रहेगा तो धर्म बराबर आगे चलता रहेगा, हमें उपलब्ध रहेगा और हम अपने जीवन में कल्याण कर सकेंगे, दोनों प्रकार का धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ।